वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है नीलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ विद नील। सो गाइज, आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ मीशो। कुछ रैंडम प्रोडक्ट्स मीशो से ऑर्डर किए थे और उन्हीं का रिव्यू मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनको एक हैंडबैग का रिव्यू चाहिए था, उस हैंडबैग का रिव्यू मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक ड्रेस, जो कुछ इस तरह के पाउच में मुझे रिसीव हुई है मीशो से। ये ड्रेस है कुछ ऐसे, ये देखिए, ब्लैक एंड बेबी पिंक या लाइट पर्पल कलर है इसमें साइड्स में, और ये एक नी लेंथ ड्रेस है। ये मैंने मीशो से परचेज की है और इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है गाइस। इसका मटेरियल पॉलिएस्टर है, इस नी लेंथ ड्रेस है ये, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए, इसकी हाफ स्लीव नेक है और हाफ स्लीव है इस ड्रेस की। बाकी बैक से ये पूरा ब्लैक कलर में है, फ्रंट में इसमें ये बेबी पिंक कलर है साइड्स में। तो काफ़ी डिसेंट सी एलिगेंट सी ड्रेस है, पहनने के बाद भी काफ़ी अच्छी लगती है। इसका पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ओरिजिनल जो इसकी पिक है, और ट्राई ऑन में आप देख ही होंगे कि इसका लुक कैसा आया है। तो मैंने एक ये ड्रेस परचेज़ की। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक टॉप जो मैंने मीशो से परचेज़ किया है, वो है गाइस ये टॉप। ये देखिए, ये आपने देखा भी होगा मीशो पे काफ़ी पॉपुलर है ये टॉप मीशो पे। ये मुझे कल रिसीव हुआ है, ये नेट का टॉप है ये, और इसके साथ एक ये इनर दिया है, इनर कुछ ऐसे है। इनर का मटेरियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गाइस, एकदम ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और इसमें कोई स्ट्रेच भी नहीं है। क्वालिटी बहुत ख़राब है इस इनर के मटेरियल की, और नेट का मटेरियल भी कोई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं बोलूँगी मैं, एवरेज क्वालिटी का मटेरियल है। और ये मैंने एक्सेल में ऑर्डर किया था और इसका साइज़ मुझे टाइट है, तो एक्सेल साइज़ तो ये नहीं है बिल्कुल भी, बट लुक वाइज सेम ही है जैसा दिख रहा था पिक्चर में, बट क्वालिटी इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इसकी क्वालिटी। तो ये सेकंड मैंने ये परचेज़ किया था। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी एक टॉप है जो मैंने मीशो से परचेज़ किया था, वो कुछ ऐसे है। ये देखिए, वाइट कलर का सिंपल, ये पॉलिएस्टर मटेरियल है, स्ट्रेचेबल है, और इसकी हाफ स्लीव्स हैं और राउंड नेक है, हाई नेक है, ये पूरा प्योर वाइटनिंग है ये। ये देखिए, इसका भी मैंने एक्सेल साइज ऑर्डर किया था, ये काफ़ी अच्छा आया है और इसका प्राइस सिर्फ 190 है यार गाइस, 190 या 195 इसका प्राइस है। तो इसके प्राइस के अकॉर्डिंग एकदम वर्थ बाय है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका मटेरियल भी स्ट्रेचेबल है और जो साइज़ मैंने ऑर्डर किया था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक वाइट कलर का दुपट्टा, जो मुझे एक नेट का दुपट्टा चाहिए था विथ थ्रेडवर्क। तो मैंने मीशो पर सर्च किया तो मुझे ये दुपट्टा दिखाई, देखे ये नेट में है पूरा, काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी और इसका जो थर्ड वर्क है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, कुछ इस तरह का वर्क है इसमें, ये बहुत अच्छा है गाइस। इसका प्राइस शायद 200-250 के अप्रोक्स था, एग्जैक्ट प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया, ये काफ़ी अच्छा आया है क्योंकि इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ये दुपट्टा अगर आप लोगों को परचेज़ करना है तो डेफिनेटली इसको परचेज़ कर सकते हो, ये एकदम वर्थ बाय है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और लेंथ भी काफ़ी अच्छी है इस दुपट्टे की। तो ये मुझे बहुत आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक एलिगेंट सा ब्यूटीफुल सा नेकलेस, जो कुछ इस तरह के ऐसे छोटे से क्यूट से बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है। ये कुछ ऐसे है गाइस, देखिए, बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही प्यारा लगता है ये पहनने के बाद। मैंने अपनी एक वीडियो में भी इसे पहना हुआ था, आप जाके चेक कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, इस तरह के इसमें छोटे छोटे पर्ल्स लगे हुए हैं और इसका प्राइस सिर्फ 140 था गाइस, 145 या 140 था। तो इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा आया है, और इसका मैंने एक बार पहन लिया है ये, फिर भी इसका कलर नहीं गया है इसकी चेन का। देखिए, इसकी चेन का कलर बिल्कुल भी नहीं गया है, जैसा था वैसा ही है ये पहनने के बाद भी। तो ये बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, आप इसके लिए इसको आराम से परचेज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी एक टॉप है जो काफ़ी पॉपुलर है मीशो पे, आप लोगों ने देखा भी होगा। वो है ये रेनबो टॉप, ये देखिए, ये इसकी हाफ स्लीव है और ये राउंड नेक है, बैक से कुछ ऐसा है। मटेरियल इसका स्ट्रेचेबल है, ये देखिए स्ट्रेचेबल मटेरियल है इसका। बट गाइस एक आपको कहीं से भी एक्सल साइज लग रहा है, ये देखिए ये बिल्कुल भी एक्सल साइज नहीं है, मैंने इसे एक्सल साइज में ऑर्डर किया था और ये बिल्कुल छोटू सा टॉप फिटिंग हुआ है मुझे, ये मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा है। तो इसका साइज़ में बहुत बड़ा इशू है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, स्ट्रेचेबल है, बट वही इसका साइज़ बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं है इसके साइज चार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये तो मुझे वापस करना पड़ेगा क्योंकि मैच नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स मेजरमेंट्स। बाकी ये ब्यूटीफुल है, देखने में अच्छा लग रहा है, बट ये मुझे फिट नहीं हो रहा है, बहुत टाइट है ये मुझे। जो मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक हैंड बैग, जो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं उनकी डिमांड थी कि मैं इस बैग को रिव्यू करूँ, तो मैंने इस बैग को ऑर्डर किया है और ये मुझे रिसीव हो गया है, तो इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो हैंड बैग है गाइस ये देखिए कुछ ऐसा है। इस बैग में काफ़ी कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल थे, ये 555 या 553 इसका कुछ ऐसा प्राइस है, और प्राइस के अकॉर्डिंग जब ये मुझे रिसीव हुआ तो इसकी पिक्चर के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि साइज़ थोड़ा छोटा आएगा, बट इसका साइज़ काफ़ी है, मीडियम साइज़ का बैग है ये। क्वालिटी इसकी अच्छी है, ये इसमें कुछ ऐसे लॉक है, ये फ्रंट से ऐसे ओपन होता है, इसमें ये दो कंपार्टमेंट हैं, 1-2, अंदर एक जिप है, एक पॉकेट है यहाँ पे, और बीच में भी एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है और पॉकेट है बीच में भी। और ये जो फ्रंट में है ये भी आप इसको पॉकेट की तरह यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी ये पॉकेट की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी बैक में से कोई पॉकेट नहीं है, यहाँ पे ये एक हैंडल दिया हुआ है, और इसके साथ गाइज ये एक बेल्ट भी दी हुई है, आप इसको एज अ स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो। 8/10 मैं इसे दूंगी इस बैग को, क्वालिटी मुझे ठीक लगी इसकी, इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी भी नहीं है और इतनी ज़्यादा लो क्वालिटी भी नहीं है। तो डियर ये था मेरा रिव्यू अबाउट दिस हैंड बैग, आप आराम से इसको परचेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, इसकी क्वालिटी अच्छी है और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हमें स्पेस मिल जाता है इसमें अपने प्रोडक्ट्स को कैरी करने के लिए, तो आप इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का मीशो का डिफरेंट प्रोडक्ट्स हॉल, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे परचेजेस अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।